नमस्कार दोस्तों, बॉन्ग हिट कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है। 6 अप्रैल 2022 को हम गुलमर्ग के लिए निकले। कश्मीर के बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट में एक है गुलमर्ग, और रास्ते भी कितना खूबसूरत है वो तो आप देख ही रहे हो। एक बात आप लोग सोच रहे हो कि मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ। दरअसल बात ये है, कश्मीर में मेरा कुछ न्यू सब्सक्राइबर हो गया, तो उन लोगों का रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूँ ताकि उनको भी समझ में आए। इसीलिए कश्मीर का जो आने वाला ब्लॉक है वो थोड़ा सा हिंदी में और थोड़ा सा बंगाली में होगा। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए, मेरा चैनल आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और न्यू सब्सक्राइबर पूरा ब्लॉग देखकर तभी सब्सक्राइब करना। तो मेरे साथ आप भी कश्मीर के खूबसूरत वादियों को महसूस कीजिए और मजा लीजिए। দেখুন রাস্তা কতটা সুন্দর, মন ভরে যাবে যখন আপনারা উঠে যাবেন এই রাস্তা দিয়ে গুলমার্গের দিকে। গুলমার্গে একটি ভ্যালিতে প্রথম গিয়ে পৌঁছাবেন এবং সেখান থেকে আপনাদের গন্ডোলার উদ্দেশ্যে যেতে হবে 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার। সময় থাকলে হেঁটে যাবেন, না হলে ঘোড়া করতে হতে পারে। देखिए हम लोग वैली में पहुंच गए और यहाँ से रोपे का रास्ता 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो पैदल भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने घोड़ा किया। घोड़ा का रेट है 1200 पर पर्सन। Thank you.
খুব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মন ভরে যাবে এই গুলমার্গে এলে। আর সামনে যে মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছেন, চাইলে সেটিও আপনারা দেখে নিতে পারেন। ইয়ে রোপে কা রাস্তা হ্যায়। हम लोग रोपवे से गंडोला के लिए निकल पड़े। यहाँ दोनों टाइप का टिकट होता है, एक फास्ट फेज का और सेकंड फेज का। ज़्यादातर लोग फास्ट फेज में ही जाते हैं और घूमकर चले आते हैं, तो हम लोग दोनों टिकट ही किए थे। ये देखिए, ये फास्ट फेज है, फास्ट फेज में हम लोग उतर गए। अभी यहाँ से फिर रोपवे में चढ़कर हमको सेकंड फेज जाना है, वहाँ ज़्यादा बर्फ मिलेगा। लेकिन बहुत से लोगों को देखिए, हम लोग सेकंड फेज के लिए भी निकल पड़े हैं, रोपवे से सेकंड फेज तक जा रहे हैं। तो जो मैं कह रही थी, बहुत लोग फास्ट फेज से ही घूमकर आते हैं, क्योंकि फास्ट फेज में सांस की तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सेकंड फेज में सांस की बहुत तकलीफ़ होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग सेकंड फेज में नहीं जाते, पर हमने सेकंड फेज में भी गए थे। देखिए, हम लोग सेकंड फेज पहुंच गए और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है। तो आप चाहे तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर भी देख सकते हैं। तो स्लेज गाड़ी कर आपको जाना पड़ेगा, जो रेट पड़ेगा 1200-1500 कोई बोलेगा, तो हम लोग बार्गेनिंग करके 1000 में किए थे। लेकिन रात हो जाने के लिए बहुत लेट से हम लोग पहुँचे, इसीलिए हम लोग बॉर्डर LOC में नहीं जा पाए। तो अगले बार ज़रूर ट्राई करेंगे LOC में जाने के लिए। यहाँ पर आपको आर्मी का कैंप भी दिख जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ, बट जब हम लोग निकल रहे थे यहाँ से, तब शाम हो गई थी और इसीलिए सांस का बहुत तकलीफ लास्ट टाइम को हुआ। फिर भी बहुत अच्छा लगा घूमकर, और हम लोगों के साथ जो कोई भी सेकंड फेज में आए थे वो बर्फ़ का बहुत मज़ा लिया, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और कुछ मानो तो हम लोगों को स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था पूरा नेचर। खैर, मेरा हिंदी तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश किया हिंदी में बोलने के लिए। तो इतने देर तक मेरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत धन्यवाद है। Bong hit cooking and bong hit food. Anna, I'm watching.